देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ब्रांड डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में समय घटनाक्रम ऐसा चल रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी बात उठाना भी बहुत जरूरी है। यहां पर घटनाक्रम की अगर बात करें तो तमाम तरह के घटनाक्रम चलते नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उसके बाद सियासी गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी गर्मी की गर्माहट विधानसभा के बजट सत्र में पहुंच गई और वहां पर अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष में, इनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कड़ी नोक। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बड़ा बयान दिया। और बयान के समय उनकी उग्रता ये दिखा रही थी कहीं ना कहीं अब अपराधियों की नहीं। यह बात इस मामले के लिए बल्कि दूसरी बात करने जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। खैर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार संगठन को मजबूत करने पर लगी और लगातार आंदोलनों के दम पर अपने आप को जनता के बीच लेके जा रही है। अगर बात करें धरातलीय संघर्ष की तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस पर खरी उतरती नजर आ रही है। पर इसी आम आदमी पार्टी के जो एक सरकार है दिल्ली में, उसके उप मुख्यमंत्री यानी मनीष सिसोदिया, उसको सीबीआई द्वारा कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा और सीबीआई की तरफ से यहां पर उनकी रिमांड की अपील की गई, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और आबकारी नीति को लेकर लगातार बीजेपी यहां पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है। यहां तक कि इस नीति के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई के बाद कार्रवाई के चलते यहां पर जो मामला था वो इतना बड़ा कि आखिरी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि गिरफ्तारी से हमारी पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया और कहा कि जानबूझ के यहां पर बीजेपी सरकार द्वारा या बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार बीजेपी की कलई खोलती नजर आ रही है, चाहे रानी मुद्दा हो चाहे तमाम और मुद्दे हो। उसके बाद यहां पर बड़ा फैसला लेते हुए राव जमनी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है उनको 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है, 5 दिन रिमांड यानी 4 मार्च तक। और ये रिमांड कितनी नुकसानदेह होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए उसका अंदाजा आप ये लगाइए कि वित्तीय बजट होने वाला है और बजट पेश होने वाला है दिल्ली सरकार का। और अगर बात करें सिसोदिया की तो तमाम महत्वपूर्ण पदों के अलावा, विभागों के अलावा 18 महत्वपूर्ण विभागों को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी को होने वाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये नरगुस्सा है और तानाशाही रवैया है और जानबूझ के उनके लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते पहले से एक मंत्री सत्येंद्र जैन जिन्होंने विरुद्ध और यहाँ पर सिसोदिया के खिलाफ आदेश रिमांड मिला, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि 15 साल की बीजेपी की बादशाहत एमसीडी में खत्म करने के बाद हमारी पार्टी लगातार अपने कीर्तिमान बनाती नजर आ रही है। पहले दिल्ली, तीसरी सरकार, उसके बाद पंजाब और गुजरात में 5 सीटें और 13% वोट लेकर स्पष्ट कर दिया था कि उसकी लड़ाई अब हल्की नहीं है और निश्चित रूप से अन्य पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही मिला है, इसमें कितनी और कड़ियां खुलती नजर आएंगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुछ बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में हैं। खुलेआम घूम रहे हैं, उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। सीबीआई जांच पर प्रश्न चिन्ह उठाना, जुडिशियल कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह उठाना, यह अपने आप में लोकतंत्र का अपमान है। चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे पंजाब के
मुख्यमंत्री हों, यह लोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने वायस के माध्यम से, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और देश की जनता और सरकार उसका जवाब देगी। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई, उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की, उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की। एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसके एयरपोर्ट से 1,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर आपकी सीबीआई आपकी ईडी। मैं कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, पूरी शिद्दत से अपना होमवर्क भी करना, स्कूल भी अटेंड करना। मनीष अंकल जेल से भी आपकी सारी खबर लेंगे, सारे अपडेट्स लेंगे, और अगर उन्हें मालूम लगा कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है या पढ़ने से कतरा रहे हैं या माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, बहुत मनीष अंकल को बहुत बुरा लगेगा। आप उन्हें बुरा मत लगने दीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, और जिस रास्ते पे चलने की बात हमेशा से मनीष अंकल करते आए हैं प्यारे बच्चों, उसी रास्ते पे चलकर देश का, अपने परिवार का और अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करना। और महत्वपूर्ण चर्चा वैसा इसलिए क्योंकि इस तरह से जिससे कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के चलते लगातार विरोधी बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि यहाँ पर जानबूझकर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। चर्चा महत्वपूर्ण करा दू। नेता भाजपा से देशबंधु डीसी अपना पक्ष रखेंगे, चंदेश सिंह कांग्रेस पार्टी पर पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी से संजय ममता की अपना पक्ष रखेंगे, महेश आर्य समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार में आमिर साबरी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा सैयद मोहम्मद तकी से, कार्रवाई और उस कार्रवाई से दिक्कत क्या है? अगर साक्ष्य मिले हैं, आधार मिला है, तभी रिमांड मिली है, और फिर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, क्या नीति है और इस लड़ाई को कितना आगे लेके जाने वाले? अरे गौरव जी, इसमें कहे कि 100 में 100 विमान कभी बीजेपी अपने आप को महान समझती है। अच्छा, महान भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी की लड़ाई इस बात की नहीं है कि भाजपा अपने आप को ईमानदार साबित करना पड़ जाती है। अच्छा, वो कर ही नहीं सकती। उस लड़ाई इस बात की है कि भाजपा ये साबित करना चाहती है आम आदमी पार्टी भी इनकी तरह बेईमान है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की मिसाल पूरा विश्व देखता, पूरा देश देखता, जो आम आदमी पार्टी ने कार्य किया पूरे देश के अंदर, वो मिसाल बन गया आम आदमी पार्टियों के लिए, पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। जो सपा नहीं, उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़वाया है, स्कूल अच्छे कर दिए, उसका पता ले रहे हैं, शराब से धो देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे, पिछड़ी जातियों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, जिनको अच्छे स्कूल मिले, वो अच्छी शिक्षा पढ़ के इनके बराबर बैठ पाए। अच्छा, जलन से ये झुलसे जा रहे हैं, इसे परेशान है, और लगातार इसीलिए आम आदमी पार्टी को कैसे आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा दे रही है, कैसे आम आदमी पार्टी बिजली फ्री दे रही है, कैसे आम आदमी पार्टी पानी फ्री दे रही है, आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है, राज्यों में सवाल करेंगे। अच्छा, और उस कारण पैसा जो है वो जनता के कारण में खर्चा हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति उसको लूट नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इसलिए बीजेपी परेशान है कि उसको राज्यों में काम करना पड़ेगा। अच्छा, और अपने दोस्त को बचाने के लिए, जिसके ऊपर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, इसमें बड़े बड़े घोटाले उसको बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए मोदी जी इस तरह का स्वांग कर रहे हैं, ताकि जो खबरें लगातार अडानी की आ रही है कि उसके शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। अच्छा, अडानी जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे पहले, अब वो 23वें स्थान से भी नीचे आ गए और लगातार। अच्छा, रिमांड दे दी गई उसको, कुछ बोलेंगे? आज गिर रहे हैं, रिमांड दे दी गई उसको, कुछ बोलेंगे? साक्ष्य मिले होंगे हटाने के लिए बीजेपी ये स्वागत कर रही इस तरह का। अच्छा, और जो शुरुआत से आता हूँ, जब शराब नीति घोटाले की बात हुई थी, शराब नीति घोटाला कोई है ही नहीं, जब इन लोगों से पूछा गया कि शराब नीति घोटाला क्या, अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग बयान दे रहे थे। अच्छा, कोई कह रहा था 100 करोड़ घोटाला है, कोई कह रहा था कि भाई 10,000 करोड़ घोटाला है, कोई कह रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा घोटाला है। अरे 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला बता रहे, 50,000 का घोटाला बता रहे, सिंधिया के पापा अलग अलग बयान दे रहे हैं,
इन्होंने जो प्रथम उसमें फाइल किया उसके अंदर उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। अच्छा, जब दूसरी बार फाइल किया उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। अब ये जब ये चुनाव हार गए हैं और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सेंध मान ली है और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी ने बना लिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा है, तब इनके होश उड़ गए। इनको लगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में बीजेपी से लोहा ले सकती है, जो बीजेपी के रथ को रोक सकती है। अच्छा, तो इसलिए ये साइडलाइन कर रहे हैं। आने वाले और कोई पार्टी नहीं है क्या? और कोई पार्टी नहीं है क्या? गौरव जी, 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में मजबूती से लड़ेगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, आम आदमी पार्टी का। अच्छा, ये बता दीजिए मेरे को, मुझे ये चाहिए कि आधार क्या रखा गया कि अगर 5 दिन की रिमांड उनकी मिली है, भाई आप जो आपके वकील हैं मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम के वकील हैं, वो दलील पेश क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्या आधार कोर्ट को नजर आया इसके चलते यहाँ पर रिमांड दे दी गई है? तो कुछ ना कुछ मानते ना कि दाल में काला है। कई बार सीबीआई जो है वो सीबीआई को भी बनाया गया है। तो आप यहाँ कोर्ट में प्रश्न लगा रहे हैं क्या? यहाँ पर कोर्ट में क्या लगा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सीबीआई के वकील कई बार कोर्ट पे दलील पेश करते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति को अभी बनाया गया इसके खिलाफ प्राइमा फेसी के अंदर केसेस है, वो व्यक्ति एक पॉलिटिकल व्यक्ति है। अच्छा, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बाहर के लोगों को, इसलिए उसको जुडिशियल स्टडी में हमारे पास रखना जरूरी है। अच्छा, इसलिए उसको 4-5 दिन की डिमांड दे सकते हैं। अच्छा, इस तरह के आरोप, इस तरह की चीजें लगा के एप्लीकेशन लगा के सौरभ भगवान ने भी कहा था बीजेपी की तरफ चलता हूँ। ठीक है, जसवंत दीक्षित भाई, यहाँ पर आरोप लग रहा है आप लोग तानाशाही रवैया अपना रहे और यहाँ परेशान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, आपको चुनौती दे रही है, आपकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर डानी मामले को लेकर लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है, इस चलते आप लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट इतनी है कि आपने डिप्टी सीएम को ही जेल भेजवा दिया। सर्वप्रथम प्राइम टीवी के सभी सुनने वाले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने गौरव जी उठाया, इसके लिए प्राइम टीवी और आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद जी। मैं यह कहकर अपनी बात करना चाहता हूँ भाई, कट्टर ईमानदार के प्रणेता, अच्छा, कट्टर करप्ट टीम का कुछ उदाहरण दे दूं। इसका उदय कैसे हुआ उसका देखिए, 2021 में आम आदमी पार्टी के बहुत ही कट्टर ईमानदार करप्ट नेता, कट्टर कट्टर क्यों बोल रहे भैया आप लोग, कट्टर नहीं है क्या वो? सुनिए, गोपाल इटालिया, कट्टर कट्टर क्या होता है? अरे सुनिए, इनकी क्रिकेट टीम के थोड़े नाम सुन लीजिए। अभी इन्होंने बात किया, थोड़ा आपकी बात मैंने धैर्य पूर्वक सुना, धैर्य पूर्वक सुनिए, अच्छा लगता है। फिर आपके एमएलए सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल, 2022 में ही आपके एक नेता थे युवराज सिंह जडेजा, उनको गिरफ्तार किया गया। 2022 में ही एक इनके नेता थे अमानतुल्लाह, हिस्ट्री सीटर और बैरिकेडर में, बढ़िया नहीं करप्ट टीम के नाम की सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, 2022 में आपको मौका मिलेगा, आपको 2022 में आम आदमी की हरियाणा हिंसा में दोषी के लिए ये सब है, मेरे लिए अपराधी और अपराधी के लिए जो भाषा होती है वो मैं इस्तेमाल। 2022 में इनके बहुत कट्टर ईमानदार करप्ट नेता बलबीर सिंह को 3 साल की सजा, 2022 में ही एक कट्टर ईमानदार के करप्ट नेता आम आदमी 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में जसवंत सिंह के यहां छापा, 2022 में आपकी एक पार्षद महिला थी गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा। ईमानदारी के किस्से बता रहा हूँ गौरव जी, बहुत ध्यान से, ईमानदारी किस्से, कट्टर ईमानदारी के। 2022 में कट्टर ईमानदारी की कट्टर करप्ट टीम 11, टीम 11। अच्छा, 2022 में ही आपके विजय सिंगला को एसीबी ने गिरफ्तार किया, ठीक। फिर 2022 में ही सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार, और अब उसके कैप्टन आए हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया जिनकी बात हो रही है। अच्छा, ये इनकी कट्टर ईमानदार केजरीवाल की करप्ट टीम है। अच्छा, जो पूरी हो गई, चलिए, और अब क्रिकेट खेलने की तैयारी है। और कोई गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना अब? नहीं नहीं, 11 खिलाड़ी होगा ना पूरे, तैयार हो गई, एक का नाम और आप और बता दीजिए, और अभी इन्होंने लगता ही रहा एक नाम हो, नहीं नहीं, टीम 11 एक्स्ट्रा खिलाड़ी रख लीजिए, सूची बड़ी लंबी है, 11 तो खिलाड़ी है, आपने एक्स्ट्रा भी रख लीजिए, बार बार खिलाड़ी भी होता है टीम में भाई, देखिए देखिए देखिए
हाँ। नहीं नहीं एक्स्ट्रा टीम अभी प्लेयर होंगे, जांच हो रही है। अच्छा जांच हो रही है, अभी और आएंगे। अभी तो आग लगी है, अभी तो टीम तैयार भाई, टीम में 11 प्लेयर हो गए। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैंने बोल दिया, चलिए ठीक है, सुन लिया। और अभी ये बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का कार्यकाल और 9 वर्ष का देश का नेतृत्व इस बात का द्योतक है। और हमें आपके सर्टिफिकेट या आम आदमी पार्टी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा। 135 करोड़ जनमानस अच्छा वर्ष 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में हमें आशीर्वाद दिया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की नीति, और आप चुनाव अगर बात कर रहे हैं, दो राज्यों में आपकी सरकार है मान्यवर, तो उसके अलावा इन 9 वर्षों में कई चुनाव बहुत मुंह के बल खाए हैं आप लोग। अच्छा। और ये जो आप उदय हुआ है, आप लोग भी तो हारे हैं, वो भूल जाते हैं। नहीं क्या? नहीं देखिए, हाँ, दिल्ली एमसीडी हार गए, नहीं देखिए, दिल्ली हार गए, हिमाचल हार गए, वो भी याद कर लिया करिए। गौरव भाई मैं आपकी बात को पूरा, मुझे भी समय दीजिए, मैंने हाँ। भी सुना। देखिए चुनाव जीत हार का पैमाना होता है, और आम आदमी की कट्टरता और ईमानदारी की बात करिए। देखिए मनीष आप ये बार बार कह रहे हैं, अभी आपने दिखाया एक विजन क्लिप चल रही थी, बच्चे पूछेंगे और मनीष सिसोदिया अंकल नाराज हो जाएंगे। अच्छा बताइए एक बालक अगर पूछेगा, अरे भाई सच्चा बताइए क्या दिक्कत है? गौरव भाई सुनिए, ठीक है, सुनाइए, बाकी मेहमान भी है, जल्दी। एक बालक होता, हम आप भी उदाहरण देते हैं, अगर आप बताइए हम अपने बच्चे को क्या उदाहरण, वो पूछेगा ये डिमांड क्या होती, कोई छोटा बच्चा पूछे उसे तो मालूम नहीं है, तो बहुत न्यायपालिका जुडिशली आईपीसी सीपीसी बता रहे हैं, खैर वो तो बहुत बड़ी बात। बच्चा पूछेगा पापा इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, ये तो स्कूल खुलवाते हैं। अरे मैं तो आपके प्रवक्ता बैठे हैं, माननीय जी पूछूंगा आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो इन्होंने बनवाया, बता दीजिए तकी भाई बता दीजिए, एक विद्यालय बता दीजिए जो इनकी इच्छा पूरी कर दी सरकार ने बनवाया हो, क्या एक भी विद्यालय इन्होंने नहीं बनवाए हैं, नहीं बनाया। और दूसरी चीज आपको बता दें, ये जो आज है ना अभी देखिए रिमांड जवाब दूंगा आपका जी, और गौरव जी सच्चाई अभी बाहर होगी, अब तो कैप्टन आया है, अच्छा कट्टरवाद टीम की कट्टर करप्ट टीम का कैप्टन, चलो ठीक है हो गया, अभी आज की जांच हो गया, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का सार्वजनिक जीवन था, अच्छा। आपने बहुत कोशिश की, आज तक एक भी दाग धब्बा नहीं, विश्व गुरु पे अगर भारत का मान किसी ने बढ़ाया तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है ठीक है, बढ़ गया ठीक है। प्रवक्ता सभा महेश आर्य जी कैसे देखते हैं मुख्य विपक्ष के रूप में, और लगातार फिलहाल विपक्ष की भूमिका यहाँ निर्वाह करते नजर आ रहे हैं, चाहे विधानसभा सत्र की बात हो और चाहे धरातल की बात हो, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? जी एक लंबी समय से आप देख रहे हैं जी, में भी बीजेपी की सरकार है और जहां भी इनकी सरकार है जी, तो वहां पर ये अपोजिशन को छोटी आंख से नहीं देखना चाहते हैं जी, और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाना चाहिए, संविधान के खिलाफ माना जाना चाहिए। दिल्ली का जो बात करें जिसके पे आज हम आप चर्चा कर रहे हैं जी, तो ये इसलिए अप्रत्याशित लग रहा है कि ये जो है जब से केंद्र में दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी है तो उन्होंने जहां तक मैं समझता हूं कि जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था जो वादे जनता को किए थे वो उन्होंने डिलीवर किए, इसलिए लगातार वो दूसरी तीसरी बार भी सरकार में आ रहे हैं लाख प्रयास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो वहां हमने देखा गली गली में प्रधानमंत्री भी घूमते, बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता पूरा नेतृत्व वहां पर है वहां प्रचार में नहीं गया बिल्कुल। तो फिर जब इतना हुआ तो उसके बाद ही मुझे क्या लगता है कि उनकी गवर्नेंस को हमेशा स्थिर करने की कोशिश की जाती है, जो वहां का गवर्नर जो एलजी है तो मुझे क्या लगता है कि एलजी एक दिन भी सरकार को ठीक से नहीं चलने देता। अच्छा। ये जो प्रकरण आया बहुत संवेदनशील प्रकरण है, तो ये एलजी की नए और उसके लिए जब कोई भी फाइल बिना एलजी की मर्जी के बिना पास नहीं होती, आए दिन क्लेश आपने भी देखा है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष बराबर, इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्या वो जानबूझ के इस बात की तैयारी कर रहे थे कि भाई उनको फंसाने की, तो एलजी और मुख्यमंत्री की सरकार दोनों की भूमिका को बराबर आंका जाना चाहिए और कानून को काम कर रहा है तो न्यायपालिका विश्वास करना चाहिए जी बिल्कुल। और जो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार इस पे ये बताया गया कि मनीष सिसोदिया जी आबकारी मंत्री के रूप में इन्होंने अपने चहेतों को ऐसी योजना बनाई कि उनको लाभ पहुंचाने वाली हो सकती अच्छा। है। तो मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी पे कि जब केंद्र में अभी जो है लॉकडाउन पीरियड में इन्होंने किसानों के लिए 3 बिल बनाए थे और वो 3 बिल भी इसी तरीके से बनाए और पास भी हुए, हाउस में पास होते हैं लेकिन वो चोरी चोरी उन्होंने पास कराए और पूरी देश के किसानों ने उसका विरोध किया और जनता ने भी विरोध किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उसको कहते रहे नहीं किसानों के लिए सबसे बड़ी गोल्डन योजना है, वापसी लेनी पड़े और उसके बाद पता चला कि उनको वापस लेनी पड़ी, 750 किसानों की जाने चली गई,
उसके बाद भी इसमें उसमें क्या अंतर है, तो उस भूमिका को भी जांच सीबीआई की जांच में आना चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच है एजेंसी और लोकतंत्र की अगर वो है तो दोनों बराबर की एक जैसी है, तो मुझे क्या लगता है कि वो भी उसी हिसाब से सीबीआई 750 लोग किसानों की जाने चली गई, उसके बाद उसमें बिल वापस ले लिए, वातावरण बरी हो गए, ये तो बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसमें दोहरा चरित्र है, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा अब दिखाई दे रहा है वो पहले से बहुत भयानक भयावह चेहरा हो गया। हमने भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकारें देखी और उनके नेता देखे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, अपोजिशन का कितना सम्मान करते थे, उससे पहले भी सरकारें थी। राजीव गांधी अटल बिहारी जी के ही शब्दों में मैंने सुनना चाहता हूँ, सुना है मैंने कि वो एक बार उनके बहुत कोई परेशानी थी और राजीव जी की सरकार थी, तो उन्होंने विदेश में अपोजिशन के लीडर के नाते अटल जी को इसलिए भेजा क्योंकि वो अपना इलाज कराने में असमर्थ थे, और उन्होंने वहां उसके भेजा उनका लीडर बना के जो वो जाती है जांच के लिए या किसी उसके लिए, तो उस पैनल का लीडर बनाया और वहां पर भेजा और वहां पर पूरा इलाज करा के भेजा। देखिए वो मानक और कितनी गिरावट आई है, मुझे तकलीफ होती है कि लोकतंत्र से ये देश अभी इनकी जो भी अपराधी है जो आप देख लेंगे शोभेन्द्र अधिकारी हो या कोई तमाम जो बड़े से बड़े अपराधी हो, बड़े बड़े जो माफिया हो, कुछ भी हो, अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, तो इस तरीके से विपक्ष को खत्म करके अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं है। तो जनता देख रही है, हर चीज देख रही है, आने चुनाव तो भाई सबको सामना करना पड़ेगा, परमानेंट कोई नहीं है, 24 का इलेक्शन आ रहा है, देखा जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि इस पे सभी को, क्योंकि न्यायपालिका में जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, अगर वास्तव में निष्पक्ष से शासन चला रहे हैं तो न्यायपालिका के उसमें चंदेश सिंह कांग्रेस भाई, आप भी अपनी आवाज मुखर करते रहते हो। यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है बीजेपी पर, यहाँ पर तानाशाही रवैये का आरोप लग रहा है, चार मूछ का कह रहे हैं, हमारे मंत्रियों को, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे डिबेट में दो तीन पहलू है। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी का नाम लूंगा। जी, आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी जी, और उसके आज दो दो मंत्री जेल में है जी, इसलिए आम आदमी पार्टी की नियत पर संदेह खड़ा होता है। क्या बात है। और समस्याएं सिर्फ दिल्ली में नहीं है, समस्याएं पंजाब में भी हैं। लगातार पंजाब में पंजाब जल रहा है और पंजाब में अलगाववादी संगठन पुनः सक्रिय हो रहे हैं। बिल्कुल, कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां पर खालिस्तानी अलगाववादी संगठन पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री और केजरीवाल मौन है। तो ये तो रहा, जब ये कांग्रेस की सरकार थी 2014 में तो ये खूब आरोप लगाते थे, कांग्रेस को गलत साबित करते थे, कांग्रेस के ऊपर आरोपों का एक बड़ा पत्र लगा लेकर आते थे। आज अपने ही ऊपर लगे आरोपों पर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे और ये जनता को कहानी सुना रहे हैं। तब कांग्रेस की सरकार थी, आपके गुनाह भी लोकतंत्र में माफ थे और बोलने की आपको स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की आजादी थी। आज सरकार बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती और आज आपको कुचला जा रहा है इसी देश में। आप गलत हैं, सही हैं, ये न्यायालय का मामला है, लेकिन आपके ऊपर आरोप है तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। कल आपने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया था, आज आपके ऊपर जो आपने थूका था, जो भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी ने थूका, अरे बता दीजिए, उसके मुंह आपको खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है, कार्रवाई हो रही है? हमें न खुशी है न दुख है। अच्छा, देखिए, हम खुश और दुख रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। सपा को दुख हो रहा, सपा कह रही है गलत हो रहा है, नहीं, आप बोल रहे हैं न्यूट्रल हो गए। व्यक्ति को क्या सुख और क्या दुख, राजनीतिक व्यक्तियों को क्या सुख और क्या दुख है? अच्छा, ये तो सामान्य स्थिति है, जीवन में हर रोज आते जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पर भी जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप गलत नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से पवन खेड़ा साहब को हवाई जहाज से उतार कर उनको जबरन गिरफ्तार किया। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत क्या की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सीबीआई के छापा पड़ने लगे। अच्छा, तो इस देश में आम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अच्छा, इस बात से दुरुपयोग वहाँ उपयोग हो रहा है, उपयोग कर रही है। अच्छा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते भाई, यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ उपयोग हो रहा है, नहीं हमारी पार्टी के। मैं कहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, जो फैक्ट्स है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली में कोई करप्शन हुआ है? अच्छा, माननीय हाईकोर्ट का मानना है कि दिल्ली का वास्तविक प्रशासक जो है वहाँ का राज्यपाल है,
और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी आती है। तो यदि दिल्ली में कोई करप्शन हुआ है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ गृह मंत्री और वहाँ के डिप्टी गवर्नर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना सिसोदिया रिस्पॉन्सिबल है। तो गिरफ्तारी सिर्फ सिसोदिया की नहीं, गिरफ्तारी गृह मंत्री अमित शाह की और गिरफ्तारी वहाँ के राज्यपाल डिप्टी गवर्नर की भी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मेरा ये मानना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर एक भय का माहौल बनाना चाहती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने लगातार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को कहूंगा, एक मैसेज दूंगा यहाँ से कि 2014 में जो आपने थूका था भारतीय लोकतंत्र पर, वो आज आपके मुंह पर गिरा है। कल हमारे ऊपर आपने झूठा आरोप लगाया था, आपके ऊपर झूठा लगे या सच्चा लगे, आपके दो मंत्री जेल में आपके चले गए, वो आपके कर्म का परिणाम। पवन खेड़ा पर तकलीफ है और सिसोदिया पर खुशी है, ठीक है। आमिर साबरी भाई, आपकी क्या समीक्षा है जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है? बहुत शुक्रिया गौरव जी की आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि सारे अपराधी विपक्ष में ही है क्या? अच्छा, बड़ा सवाल ये है जी। भारतीय जनता पार्टी में अपराधी बदल करके संत हो जाते हैं? अच्छा। या जो घोटालेबाज है वो साधु बन जाते हैं? मतलब ये अपने आप में अजीब विडंबना सी नहीं लगती है कि मतलब आप देखिए, योगी जी ने कल बयान दिया सदन के अंदर कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। एक छोटी सी गलत बात है। नहीं गलत नहीं, गलत बोला आपने। अखबारों की हेडिंग है, अखबारों की हेडिंग है, अखबारों को मिट्टी में मिला दूंगा। बोला है, बोला, सुन लीजिए, यही बोला योगी। नहीं 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 बोला। अच्छा तो सुनिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिए हैं, कहीं से भी उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। एक पूर्व मुख्यमंत्री को तुम कहते हुए उसके बाप को याद दिलाना, मुझे लगता है कि इससे अधिक निंदनीय और असभ्य बर्ताव महेश भाई नहीं देखा जा सकता। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। माफिया होगा तो मैं एक लिस्ट छोटी सी है मेरे पास, 20-22-23 लोगों की लिस्ट गिना दीजिए जल्दी। कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, भानु सिंह, उदयभान सिंह, ब्रजभूषण सिंह, सनी सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह और प्रीतम सिंह। हाँ जी, 22 लोग लिस्ट है। 28 सबसे कम मुकदमे है, गौरव जी 106 अधिक मुकदमे है। क्या बात, ये 22 लोगों की लिस्ट है। ये सारे अपराधी एक जाति के नहीं है भाई, लोग हैं। अपराधी से कार्रवाई हो गई होती है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, विपक्ष में होते अब तक मट्टी में मिला दिए गए होते। अच्छा, यही मैं जानना चाह रहा हूँ गौरव जी। देखिए, मैं एक अपराधी नहीं है आमिर भाई, इसे कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, वो अपराधी नहीं है और 122 लोगों की लिस्ट है। अगर कहिएगा तो कल हम 50 की भी कर देंगे। 22 लोगों की लिस्ट फिलहाल मैंने आज देखी, ठीक है। तो मैं लेकर के आया कि 28 कम से कम मुकदमे और ज्यादा से ज्यादा 106 मुकदमे है। क्या बात, कुलदीप और सारे संगीन धाराओं मुकदमे है। अच्छा, लेकिन गौरव जी मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि मट्टी में इन माफियाओं को मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? भाई, राजा भैया भी उसमें शामिल हैं, उसमें अजय सिंह भी शामिल हैं, अच्छा। सनी सिंह भी शामिल हैं, ब्रजभूषण सिंह भी शामिल हैं, अच्छा। बादशाह सिंह भी शामिल हैं। तो ये कहीं के साधु संत हैं? मैं ये जानना देश बंधु जी से चाहता हूँ, प्रवक्ता से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये जानना चाहता हूँ कि इनको मट्टी में कब मिला रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया। कमाल की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधी बदल करके साधु संत बन जाते हैं और जितने घोटाले वाले अच्छी बात है, अगर कायकल पूरा अच्छी बात है, क्या दिक्कत है आपको, क्या तकलीफ है आपको? और जहां तक केंद्र का मामला है, देखिए तो अभी मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी के तमाम भगोड़े अरबों खरबों रुपए लेके भाग गए, क्या कार्रवाई गौरव जी, मजाक नहीं है? अरे लाया जा रहा है भाई, विपक्ष में लाया जा रहा है उनको। अरे कहां लाया, अरे ये तो हम पिछले 9 साल सुन रहे हैं। और गौरव जी मैं बता दूं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बता दीजिए। पिछली सरकार 10 साल कांग्रेस की रही है, 112 ईडी के छापे पड़े। इस 9 साल सरकार में 3010 छापे पड़े ईडी के। तो छापे दिक्कत है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये गौरव जी कि सारे अपराधी, सारे घोटालेबाज, सारे माफिया विपक्ष में हैं। अरे कार्रवाई कर रहे हैं। अरे अच्छा बता, मैं पूछ रहा हूँ कि बताएं कि अब तक
सत्ता पक्ष कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? मेरा एक सवाल है, हमारे देश बंधु जी महान प्रवक्ता बैठे हुए कांग्रेस प्रवक्ता, कुलदीप सेंगर जेल में है भाई, क्या गिरफ्तार नहीं हुए क्या? अपने आप जेल चले गए क्या? अरे कुलदीप, एक कुलदीप, अरे क्या बात करिए आप, नाम पूछे बता दिया। वीआईपी सुविधाएं मिली हुई है अभी आप ही के चैनल पे, एक वीडियो एक वायरल हुआ था और उसकी डिबेट हुई थी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वहाँ पैर दबा रहे थे, मालिश करा रहे थे, तो अरे नेता है प्रवक्ता नहीं है, नेता है मंत्री है भाई, मंत्री, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। तो इस पर डिबेट हुई थी। हाँ। और जितनी सुविधाएं माननीय विधायक जी कुलदीप सेंगर जी को मिली हुई है जेल में, वो मिली और छोड़े गए, और जिस तरीके से बाद में हत्या हुई, अरे आप देखने गए थे क्या? हम देखने गए, तमाम वीडियो वायरल, तो कैसी बातें कर रहे हैं गौरव जी? अच्छा, तमाम वीडियो वायरल होते, लेकिन अफसोस ये है कि भाजपा में कोई अपराधी नहीं है। वो ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसने भाजपा का गमछा गले में डाल लिया, वो पाक साफ हो गए, साधु संत हो गया। ठीक है, ठीक है, देशबंधु भाई जवाब दे दीजिए सबका। नहीं देखिए, अभी मेरे मान जो ये लिस्ट बताई है भाई ने, इसका भी जवाब दे दीजिए, आपके प्रवक्ता बन के बोल रहे थे। अच्छा देखिए, आपके मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, पहले मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, मैं ना सपा का, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। तो आप बोल रहे हैं, बोल क्या ले आप, जब मैं तो मैंने तो शुरुआत की थी, आप बोल रहे जवाब जवाब लीजिए, जवाब बोलिए भाई, बोलिए। सबसे पहली बात गौरव जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने भी धैर्यपूर्वक सुना और सबकी बातें सुनी, मैं चाहूंगा मुझे एक दो मिनट दे दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। पहला तो वक्तव्य हमारे माननीय जी ने बोला। हाँ। आज की हेडलाइंस मैं भी पढ़ा हूँ जी, और नेता सदन का हम लोग, क्योंकि एक एक चीज और शब्दों का बहुत महत्व होता है, शब्द अनर्थ में बन जाते हैं, अर्थ का अनर्थ जी। उन्होंने कल नेता सदन ने बोला जी कि माफियाओं को मिट्टी मिला, बिल्कुल बोला, यहाँ चैनल पे आप बैठे हैं जी, और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों की तरफ मैं बताऊं, कौन चाहता है जी, और आप अगर मेरे बगल में बैठे हैं, माननीय बहुत प्रशंसक हैं, अगर आप अपराध की मानसिकता के द्योतक हैं या उसके पर्यायवाची के समर्थक हैं, अच्छा, और आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि जो बुलडोजर चला या जो भी छापे की आप बात कर रहे हैं, जो भी चला, किसी भी अच्छे आदमी पे नहीं चला, चला अपराधी की चला, अच्छा, और अपराध की जो मानसिकता रखेगा, हाँ, उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, अच्छा, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे। लिस्ट बताइए। और दूसरी चीज आपको बता दे, जो ये कहते हैं लिस्ट बताइए, 25 करोड़ नहीं, लिस्ट तो मैंने आपको बताया ना, तो अभी मैं लिस्ट लेकर, अभी मैं लिस्ट निकालूंगा, मेरे पास है। अरे आप दिखा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास लिस्ट 87 आदमियों की है। अच्छा। और आपको बताइए, कल नेता सदन ने बोला, आप जिसके आप समर्थक कर रहे हैं उसका पालन पोषण किसने किया? और आपको एक चीज और बता दूं, आप कई लोग जो प्रवक्ता बने पड़े हैं चैनल पे, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, अरे समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ अपराधियों की लिस्ट बनाई है, मैंने ये हमने सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया कि कौन अपराधी नहीं है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, मैंने ये नहीं कहा कौन अपराधी नहीं है, आप अपराधियों पर बिल्डोजर चलाइए। आपको लोकतंत्र पे विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है, लोकतंत्र पे विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, यही वजह जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, 25 यही एक वजह है, देखिए लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है, नहीं तो आप बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, बारी बारी बोलिए, आप कितने अपराधी, आपने सत्ता पक्ष के बारे में कौन अपराधी, अगर बुलडोजर चला, क्या सत्ता पक्ष में कोई अपराधी नहीं है? 35 वर्षों बाद सरकार बनी है, अपने काम पे बनी है, हमने लोगों को दिया, हमने विकास दिया, हमने कर दिया, हमने सोचा, अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाते हैं, आप के प्रवक्ता बन जाते हैं, घोटालों की सरकार, यही देश था, आप बताइए सत्ता पक्ष में कोई अपराधी नहीं है, और आप घोटाले बाद में चुनाव में चुनाव में हर बार साधु है, सब संत है, और सारे अस्पताल आप लोगों ने प्रयोग कर दिए, कभी बुआ बबुआ की सरकार, कभी युवा सत्ता का भरपूर फायदा उठा रहे हैं आप, और यही लोकतंत्र
जनता जनार्दन बहुमती होती है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है। आप अगर विपक्षी प्रवक्ता है तो बन के बोलिए, जनता जनार्दन 14 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, स्वास्थ्य के साथ हो गया, हो गया, सब लोग मिलके बोले बाकी मेहमान भी आज ने घोषित इमरजेंसी तो है, तो है। घोषित हमें तो ये डर लगता है कि आप मुझे जेल भेज दे। किस तरीके से मैं सच्चाई बोलता हूं? आप गलत करेंगे तो जेल में। आप क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं और बोलने वाले को आप पसंद नहीं करते हैं। किसे बोले? अरे बोलने वालों को आप कहाँ पसंद करते हैं? अभी पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, अभी दो दिन पहले हुआ। बच्चों से गलती हो जाएगी, खूनी लुटेरे। आपने क्या क्या शब्द नहीं बोले? कहिए, आपको शर्म नहीं आती? आप नाम लेके गई है ना, आपको डर क्यों लग रहा है? कांग्रेस का प्रवक्ता है जिसने कहा पिताजी का नाम नहीं जानता। अरे एक प्रधानमंत्री आपको सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप सच्चाई नहीं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप सही बात बोलने नहीं देना चाहते। अरे गला फाड़ फाड़ चल रहा है, भाड़ है क्या? ठीक हो गया, हो गया। जनता जनार्दन जानती है, सब जानती है, सब जानती है, सब जानती है। चलिए चले, हो गया, हो गया भाई, हो गया। चले सैयद मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद तकी क्या बोल रहा है? ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। गला फाड़ फाड़ चिल्ला लिया आप लोगों ने। चले ठीक है, गला फाड़ फाड़ चिल्ला लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। सैयद मोहम्मद तकी बोलेंगे, ठीक है। जसवंत भाई प्लीज, प्लीज प्लीज जसवंत भाई, हो गया। सैयद मोहम्मद तकी बोलिए, ठीक है, ठीक है, हो गया भाई। चले ठीक, हो गया, बात आ गई। आप आवा डाउन कीजिए, चले आवा डाउन कीजिए, बिल्कुल डाउन करिए। चले हो गया, हो गया। अरे हो गया भाई, अमर भाई प्लीज, अमर भाई प्लीज, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए सैयद मोहम्मद तकी जवाब दीजिए, बोलिए। आपकी पूरी टीम इलेवन बनाई है उन्होंने, सैयद मोहम्मद तकी आपकी पूरी टीम इलेवन का नाम बताया उन्होंने और कह रहे अभी और नाम आने वाले हैं। देशबंधु नीतीश जी के मुंह से, भाजपा प्रवक्ता के मुंह से बार बार कहना कि आवानी पार्टी कट रही मदार पार्टी, आवानी पार्टी कट रही मदार पार्टी। शर्म करिए, शर्म करिए, पुरानी डिबेट देख लीजिए, ईमानदारी का टोन रखते हैं। बड़ी शर्मसार वाली बात आती है। श्रीमान आदरणीय परम पूजनीय अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उदय प्राप्ति, आपकी कैप्टन खड़ी हो रही, आप बात करते हैं, नाच रहा हुए आंगन टेढ़ा। आप ईमानदारी की बात करते हैं, मैंने नाम दे दिया और सुन लीजिए, पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, हो गया, हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, हो गया। बिहार में लोग मर गए नकली शराब पीने। अरे आपकी क्या बात करते हैं, 135 करोड़ भारतवासी हमें आशीर्वाद देते हैं। चलो ठीक है, मिल गया आशीर्वाद, मिल गया, मिल गया। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी आशीर्वाद देख रहा हूँ। जसवंत भाई हो गया, हो गया, तक ही बात पूरी करिए। वाली पार्टी जो है वो सरकारी दुकानों से अगर शराब बेच रही है कानूनी तरीके से, वो क्या अपराध की संख्या में आता है? अरे घोटाले कर रहे, पता नहीं जांच होने दीजिए। क्या बात किया गया आपको? जांच से कहां डर रहे हैं? की आवाज बढ़ाइए, आप खोए दे रहे हैं, आप खोए दे रहे हैं, उनका पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया। जसवंत भाई प्लीज, जसवंत भाई प्लीज, जसवंत भाई प्लीज, और इतना दीजिए, अभी तो टीम लेवल तैयार हुई है। जसवंत भाई प्लीज, मतलब नहीं है तरीके से बीजेपी को प्लीज प्लीज डिबेट ना हो, उसमें क्वेश्चन ना उठे, उसमें हंगामा ना मचे, इसको छुपाने के लिए जान बूझ करके बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा है ताकि मनोज सिन्हा आरोप लगा के इसका हंगामा। अरे आपके टीम इलेवन में क्या बोलेंगे भाई? ये आपके टीम इलेवन बता रहे हैं, मुझे सवाल दीजिए थोड़े प्लीज, मुझे सवाल दीजिए। काम को इस शराब से धोना चाहते हैं, उसको साफ करना चाहते हैं। एक राज्य बताएं बीजेपी वाले, एक राज्य बताएं जितने राज्यों में सरकारें, चाहे इन्होंने शिक्षा पे अच्छा काम किया हो, स्वास्थ्य पे अच्छा काम किया हो। आपने स्कूल नहीं खोले, बोले आप स्कूल का नाम बताइए जो खोला हो आपने। तकी सैयद मोहम्मद तकी पूछ रहे हैं, कोई स्कूल का नाम बताइए जो आपने खोला हो, स्कूल का नाम पूछ रहे हैं। अरे इनसे कहिए गाड़ी निकाले। अरे पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री पे हमला करा देते हैं, आप बात करते हैं संविधान का, घुसे हुए नहीं आप बात। अरे स्कूल का नाम बताइए ना, नाम तो बता दीजिए। अरे स्कूल का नाम बता दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? बता दीजिए ईमानदारी की परिभाषा तो बता दीजिए। शिक्षा की बड़ा दर्द हो रहा है, जो कई
आप लगातार बोले आवाज समझ में नहीं आई। आज शिक्षा सुनिए गौरव जी जी, जो बेसिक शिक्षा के स्कूल है उसके अंदर 3-4 कमरे होते हैं स्कूल के अंदर। अच्छा, हमने 40,000 कमरे बना दिए, नए 40,000 कमरों को डिवाइड कर दिया। सत्येंद्र जैन का भी कमरा बता दीजिए, यूनिवर्सिटी बढ़ाई है, सिंगला जी का भी कमरा बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है, चंदन सिंह, चंदन सिंह, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, चंदन सिंह, ठीक है, चंदन सिंह इनके आगे फट जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चंदन सिंह, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, सुन लिया, मैं देख लिया, देश बलिवाई प्लीज रिपीट मत कर प्लीज। चंदन सिंह तकी भाई सैयद मोहम्मद तकी हो गया, देख लीजिए आगे फटती आम आदमी पार्टी, ये देख लीजिए ना, आम आदमी पार्टी से ये देख लीजिए, देश बलिवाई प्लीज सुन लिया, ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी हो गया, हो गया, चंदन सिंह बोलेंगे, चंदन सिंह बोलेंगे। आज जो देश की हालात है जी, इस पर चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी क्यों कतरा रही है? अच्छा, आप सीबीआई का छापा मरवाइए, आप ईडी का छापा मरवाइए, आप चंद्रेश सिंह के घर बुलडोजर भेज दीजिए, चंद्रेश बंद कर दीजिए, इस बात से हमें कोई आपत्ति, सपा प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता बोले, चंद्रेश सिंह बोल रहे हैं जी, क्यों कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राजनीति में जो आप करेंगे वही आप पाएंगे। मतलब इस बात से कांग्रेस के नेताओं पर कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, हमें मतलब ये है इस बात से कि अडानी हमारे देश की जनता का ठीक है, हमें इस बात से चिंता है कि देश में महंगाई ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, कांग्रेस ने जो हमारे देश में जो बढ़ रही है, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर का खौफ होता तो राजू पाल हत्याकांड के गवाह काल इलाहाबाद में हत्या, ठीक है, ठीक है, आगे आगे, ठीक है, जस्ट बनो भाई प्लीज, अब मैं सारे बोलेंगे, ठीक है, संदेश भाई हो गया, मैं सारे जी प्रवक्ता सभा बोलिए। हाँ देखिए गौरव जी, बहुत मेरे काफी प्रवक्ताओं को सबको मैं सुन रहा था आपस में, भारतीय जनता पार्टी का तो स्थिति ये हो गया कि बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, जो इन्होंने वादा किए थे, देखो सत्ता में रह करके थोड़ा झुकना सीखना चाहिए। अच्छा। और कहते हैं फलदार वृक्ष झुकता है, इनकी भाषा सही देखिए, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल भाषा लगती नहीं है, लोकतांत्रिक की भाषा संस्कृत भाषा में जाने इनका बिल्कुल ही विश्वास ही खत्म हो गया, सबको लपेटते जा रहे हैं, विपक्ष को आवाज दे न, मीडिया पे बोलने दे रहे हैं, हाउस में बोलने दे रहे हैं, तो आखिर क्या मतलब हुआ? तो मेरा तो कहने का मतलब है कि देखिए ये फ्लॉप हो रहे हैं जनता के सामने, जो इन्होंने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्राइम के नाम भाई प्लीज ब्राह्मण परिवार के ऊपर जबरदस्ती इन्होंने बुलडोजर चला के उसके जिंदा जला दिया और उस पर ये लोग प्रशासन के ही उसमें इल्जाम लगे, इन्हीं की पार्टी की मंत्री है, उन्होंने बोला कि डीएम इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और इसके अलावा आपने देखा इनकी इस बात की पोल खुल गई कि भाई सब घर को सभी लोगों को अपने मकान दिए, अगर मकान दिया होता तो शायद वो घटना नहीं घटती, उस गरीब की झोपड़ी पे बुलडोजर नहीं चलता। लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, इनका मंत्री आज भी कैबिनेट में है मोदी जी के, और उनका बेटे ने इतना बड़ा किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले सब तरह से फेल है। किसानों की दुगनी आय की बात कर रहे थे, किसान आज भी आत्महत्या को करने को मजबूर है, ना उनका एमएसपी मिला है, ना गन्ना का भुगतान हुआ है, ना उनका जो है बिजली बिल माफ हुआ, तो इनका कुछ है ही नहीं चाल चल चला। अभी जो है गरीबी में भी नंबर वन है उत्तर प्रदेश, क्राइम में भी नंबर वन, महंगाई में, बेरोजगारी में, कुपोषण में नंबर वन, बाल मृत्यु जो होती है उसमें भी नंबर वन। आपने देखा होगा कि ऐसा तो अशरफ कभी नहीं हुआ कि जो मिड डे मील का खाना, मिड डे मील में आपने देखा एक पत्रकार को भी जेल में भेज दिया गया था, मात्र उसने सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी। गौरव भाई आप भी बचे रहना, अगर आप सच्चाई के रास्ते चलेंगे तो आपके पीछे भी सीबीआई आ सकती है, चैनल वालों को भी नहीं छोड़ा, हम तो तैयार हैं, जो पत्रकार हुआ सच्चाई दिखाने पहुंच गया उसको जेल में डाल दिया, लखीमपुर की घटना जिसने कवरेज किया उसकी भी हत्या हो गई, वो भी मारा गया। तो ऐसे ऐसे हालातों में मुझे लगता नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई न्याय की बात हो रही है। अच्छा। जो भाषा शैली बोलते हैं तो इस तरह की भाषा शैली अच्छा एक शोभा नहीं देता है, कि संसदीय जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन जो जनता की आवाज होती है, मीडिया चौथा स्तंभ वो भी जनता की आवाज होती है, और वो लोकतंत्र तभी जिंदा है अगर ये लोग अपनी आवाज को बैठ पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, जिनकी आवाज को दबा दिया जाएगा तो ये तानाशाही हो जाएगा और देश खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो ये देश और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी है कि मीडिया अपना पक्ष रखे, ईमानदारी से जनता की आवाज उठाए, और विपक्ष को भी
ईमानदारी के साथ अपने जनता की आवाज को बढ़ाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जाति जनगणना की आवाज उठाई है उस पर पूरी सरकार बौखला गई है। अच्छा, भाई न्याय की बात करते हैं तो न्याय तो तभी होगा जब जनगणना होगी, तभी तो पता चलेगा कि भाई कौन सी जाति कितनी संख्या में है। जो सरकारी केंद्र की या राज्य सरकारें योजनाएं बनाती है गौरव जी, तो उसके बाद जब वो डिलीवर तभी होती है योजनाएं जब पता हो कि भाई इसकी संख्या के अनुपात में इसको ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब उसके लिए तैयार ही नहीं है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार किस काम की, जब दोनों इंजन अगर फेल हो रहे हैं, वो जो डिमांड हो रही है जनता की और वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इंजन का किस काम का जो रेत में गाड़ी फंसाए खड़े हैं। तो मैं 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अच्छा। इस पीरियड में 9 साल के पीरियड में देश बहुत कमजोर हो गया। अच्छा, जो हमारे संस्थान थे, बड़े बड़े संस्थान थे, वो सब अपने मित्रों के भेज दिया गया। अडानी को देखिए, जिसका नंबर 609 नंबर था और वो 2 नंबर पर पहुंचा दिया, और जब वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से इनकी जमीन से पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब जो सारा जो भी आवाज उठा रहा उसमें तो सीबीआई जांच नहीं करा रहे। अच्छा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करा रहे, उसको बचाने की कोशिश की रहा है। अच्छा। बीसीसी जो क्या बोलते, बीबीसी, बीबीसी भी मीडिया का है जो जमाने से यह काम कर रहा है अपना, जो कवरेज करता है हिंदुस्तान को, और जब उसने कोई सच्चाई दिखाई तो पता चला उसके ऊपर भी कार्रवाई। तो ये तो संविधान का जो मैं समझता हूँ सरासर उल्लंघन है और संविधान की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश है। मैं समझता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं नहीं की नेताओं की बात कर रहा हूँ, उनकी आज आत्मा को बड़ी तकलीफ हो रही होगी। अच्छा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इनकी सरकार में ये देश टूटेगा। अच्छा। ये तो संविधानिक संस्थाएं खत्म हो रही, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, कोई भी वर्ग रखा नहीं है, व्यापारी नौजवान और किसान, ये खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। यही हमारी पार्टी का कंसेप्ट है कि नौजवान, जवान और किसान, ये तीनों के तीनों सबके साथ परेशान है तो वो कैसे देश में खुशहाली आएगी। जवानों की बात करें तो इन्होंने वो कौन सा अग्निवीर बना दिए, एक लंबी समय तक करीब वो 20-25 साल सर्विस करता था और उसके बाद आता था तो उसका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहता था। पुरानी पेंशन खत्म कर दी, जवानों की भी नौकरी बेकार कर दी, 4 साल की नौकरी के बाद बताइए गौरव जी वो क्या करेगा जवान जी। उसकी तमाम लायबिलिटी शुरू होंगी, उसके ब्याह शादी बच्चे बराबर के होंगे तो वो 4 साल की नौकरी के बाद पेंशन उसको पाएगा नहीं, तो बताइए वो क्या करेगा। अच्छा। मुझे लगता है कि दूरदर्शी सोचिए, वो हथियारों की तरफ बढ़ेगा, हथियार ही उठाएगा, नक्सलाइट की वो बढ़ सकती है, खतरा बढ़ेंगे, तो इसलिए क्योंकि वो जॉब से सुरक्षित नहीं होगा, उसका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, उसके परिवार का फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। ये बहुत गंभीरता का विषय है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो सत्ता में बार बार परमानेंट तो होती नहीं है, 5 साल के बाद फिर चुनाव होता है, तो निश्चित रूप से जनता के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, उसके अकॉर्डिंग देश को चलाएं और जो हमारा अपोजिशन है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश ना करें, और तभी देश और संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित होगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही रिक्वेस्ट है। कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत जरूरत है कि बात की जाए देश के मुद्दों पे जी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा माहौल बना रही देश का कि इनकी उपलब्धियों के बारे में बात की ना जाए, इनसे ना पूछा जाए कि पिछले 9 साल से जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की उसने क्या काम किया है, पिछले 7-8 साल से जो यूपी में सरकार उसने क्या काम किया है, 27 साल से लगातार जो गुजरात में बीजेपी सरकार है वहां क्या काम हुआ है, मध्य प्रदेश में जहाँ 4-5 बार लगातार सरकार आ चुकी वहां क्या काम हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में क्या डेवलपमेंट हो रहे, क्या वहाँ पे पब्लिकली काम हो रहा है, तो ये इन सब चीजों पे जांचपूछ करके जनता को भड़काए रखना चाहते हैं ताकि जो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं अपने दोस्तों को जो अमीर और अरबपति बनवा रहे हैं, करोड़पति बनवा रहे हैं, वो काम चलता रहे, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है और जनता बीजेपी के असली चेहरे को देख रही है, समझ रही है, पहचान रही है, और 2024 चुनाव में और 2023 चुनाव में आपको देखेगा कि आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से उभर के सामने आएगी और बीजेपी को रोकने काम करेगी, बीजेपी से मजबूती से लड़ेगी। अभी जो हमारे जवाब नहीं दिया आपने, कांग्रेस के दोस्त कह रहे थे जो उल्टी सीधी इल्जाम लगाए थे इनसे पूछिए कि जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था उसके अंदर हजारों करोड़ के बलून जो बनाए थे तो उसके वो भ्रष्टाचार का जुगाड़ हुआ था, उसकी भी डर गए थे, और ये जानकारी कहते थे मोदी जी की छड़ पे जब अरविंद केजरीवाल ने केस जवाब दे रही है, जो आधार बनाकर मनीष सिसोदिया को 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है वो आधार सही है या गलत है? अगर सही है तो फिर आप कोर्ट पे जो उनका निर्णय उस पर उंगली मत उठाइए, और गलत है तो फिर कैसे गिरफ्तार कर लिया गया?
देखिए गौरव सर, मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये प्रकरण पिछले तकरीबन एक साल चल रहा है। क्या बात। और इस प्रकरण के अंदर आपने विभिन्न पहलुओं को देखा है, अच्छी तरह समझा है जी। और पिछले एक साल से लगातार सीबीआई जो चाहती थी वो सब कुछ कर चुकी है। 500 अधिकारियों को पीछे लगा दिया जी। बैंकों की जांच कर ली, बैंकों के अंदर जो उनके जेवरात थे सब देख लिए उन्होंने, घर पे जाके चले गए और गांव जाके जमीन देख ली, उसके बाद भी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। और इन्होंने खुद कहा ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है घोटाला हुआ है। और ये कोई खुद कंफर्म नहीं है सीबीआई कितने घोटाला, सीबीआई से पूछिए कितने घोटाला हुआ, घोटाला नहीं कह रहे। अच्छा। और जो कोरोना के दौरान जो रियायत दी गई थी उससे जो राजस्व में कभी आए घोटाला तो नहीं ना है। दिनेश अरोड़ा को जानते हैं आप लोग? दिनेश अरोड़ा को जानते हैं। राजस्व में कभी आना, राजस्व में कभी आना वो घोटाला थोड़ी ना होता है। अच्छा। अगर कोरोना के दौरान बहुत सी रायते दी गई थी सरकारों ने, सरकार ने जब्ते भी दिए तो घोटाला क्या लगेगा क्या? अच्छा ठीक है, घोटाला नहीं है, ठीक है, अच्छा काम, ठीक है। वो कुछ क्लियर नहीं है, वो एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट की गई है और कोर्ट की मर्यादा, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, लोकतंत्र की मर्यादा को, मुझे सब पता है, मर्यादा को छिनभिन कर रहे हैं। ठीक है, मुझे सब पता है, ठीक है। देशबंधु भाई क्या कह रहे हैं भाई? अरे लाइन से बता दूं, माननी जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं राजस्थान। देशबंधु भाई जानबूझ के आरोप लगाते हैं कि इनके ऊपर उंगली ना उठते। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जब इनका पलीता खोल के रख दिया गया। दो मिनट बचे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अपने यहाँ हजारों की संख्या में एमएलए को रखे हुए जो भ्रष्टाचारी है उनकी एक ही बात नहीं करते। चलिए बोलिए, ठीक है, आ गई बात, आ गई, जवाब जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले लो। बोलिए बोलिए बोलिए, कह गए रामचंद्र जी सिया से ऐसा कलयुग आएगा जी। बोलिए, हंस चुगेगा दाना भैया कौवा मोती खाएगा। कौवा कौन है, मोती कौन है, मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे सब पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मंडन ना हो, महिमा मंडन ना हो, ठीक है, ठीक है, हो गया। इस बार निश्चित बोलेंगे, बोलिए। जब एक अर्थशास्त्री पीएम था, हाँ, सुन लीजिए आप, बहुत चौपाई सुनाते हैं, हाँ, जब एक अर्थशास्त्री हमारी पार्टी बोल रही है, बोल लीजिए जी, पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था, अब चाय, अरे सुनो यार, आप बोलने नहीं देते तो फिर मैं बोलूंगा तो, और अब एक चाय वाला पीएम है, पाकिस्तान आटा मांग रहा है, बस इतना सा बदला है, मेरा भारत महान। अरे आप बात करते हो पांचवी अर्थव्यवस्था है, कुछ आंकड़ों पे बात कर लिया करो, पांचवी अर्थव्यवस्था है, भारत के उद्योगपति अगर दूसरे नंबर पे आएंगे, अरबपति खरबपति बनेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आपको आपत्ति है ही है। अच्छा, आपको तो आपत्ति आई है, कह तो रहे हैं एक अर्थ, मैंने बोला ना इतना बदल रहा, आपको नहीं मालूम है कि पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, आपको कुछ नहीं मालूम है। 55 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, घोटालों की सरकार कह के, घोटालों का पर्यायवाची है कॉमनवेल्थ, कोयला घोटाला बोल रही है। देख तो लीजिए इसका जवाब दे रहे हैं आप, ये प्रवक्ता आप बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। झोंकड़ी चले जा रहे हैं, ये पता चल रहा है कौन बोल रहा है। जो पाकिस्तान की बात करते हैं जी, बोले बोले, देशबंधु भाई बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं देखिए, आप बता दे, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने तो नाम बता दिया, देखिए दूध का दूध पानी हो जाएगा। गौरव भाई मैं एक ही चीज, आप टीम बताइए, टीम नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे आइए कम टू द पॉइंट, इनकी तो पूरी टीम, अरे सुनिए तो प्रभु, प्रभु सुन तो लो, प्रभु सुन तो लो, क्या बताओगे, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो यार, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे, जल्दी बोलिए आखिरी एक मिनट बोलिए, क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, 135 करोड़ भारतीय, चलिए, और 35 करोड़ उत्तर प्रदेश का, मैं इस बात को बड़े प्रमाण के साथ कहता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, जनता जनार्दन के बीच में हम अपने किए हुए काम के साथ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास के साथ जाते हैं, ठीक है, और आपको बता दें, जल्दी बोलिए, अगर चुनावी बेला आती है ये सारे जो है मगरमच्छ एक हो जाते हैं, हो गया, और प्रधानमंत्री पे वार करते हैं, हो गया हो गया, जो है इनके पास, ठीक है ठीक है, हो गया, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, हार जाएंगे, हो गया, हो गया, तो सारा ठीक रहेगा, देंगे, ठीक है ठीक है, हो गया, जीत जाएंगे, आपकी बात आ गई, ये बेईमान यहाँ चले जाते हैं, आप लोग है, वो हम लोग यहाँ चले जाते हैं, ठीक है ठीक है, हो गया, हो गया, अमर साहब जाके कमेंट बोलिए, जल्दी बोलिए, कट्टर
अमर साहब आखिरी कमेंट बोलिए 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 जल्दी बोलिए अमर साहब जी हाँ जी ये बात तो सही जितनी लोकतंत्र की हत्या इस दौर में हो रही है गौरव जी कभी नहीं हुई अभी देख लिए सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद जी ईडी के डायरेक्टर को तीसरा एक्सटेंशन दे दिया गया है अच्छा ये कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है अच्छा दूसरी बात योगी जी ने कल एक बात और कही थी कि पुलिस की उन्होंने बड़ी तारीफ की है गौरव जी तमाम थाने अपराधी चला रहे हैं उन्हीं अपराधियों को बदौलत दलाली थानेदार करा रहे हैं और तमाम निर्दोष लोगों को अपराधी बनाए जा रहे हैं गौरव जी मेरे पास कम से कम एक सैकड़ा जो उपस्थित है निर्दोष निर्दोष जनता को अपराधी बनाया गया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे मुख्यमंत्री जी अरे छोड़िए आप आरोप मैं नहीं लगाता हूँ मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं सच्चाई बता रहा हूँ सुन लीजिए मैं किसी पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूँ ना मुखिया हूँ मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ ना मुखिया हूँ आप सोचियों की यही बड़ी प्रॉब्लम है सुनना पसंद नहीं करते हो गया चीखना चिल्लाना शामिल है पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने की तो यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी यहाँ चर्चाएं थी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ चर्चा थी मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई को लेकर यहाँ चर्चा थी रिमांड को लेकर मेरा मानना है कि जहाँ पर कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई का कोई ना कोई आधार होता है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर तानाशाही रवैये का आरोप लगाना अलग बात है अब वो विपक्ष हमेशा लगाता रहता है पर कहीं ना कहीं एक बात भी स्पष्ट होती है कि अगर कोई आधार मिला है तभी पूछताछ हुई है और कोई आधार मिला है तभी गिरफ्तारी हुई है और कोई आधार मिला है तभी रिमांड की यहाँ पर अर्जी पर सुनवाई हुई है और 5 दिन की रिमांड दे दी गई है आने वाले समय में इस मामले में तमाम कड़ियाँ और निकल के आएंगी और कितनी और गिरफ्तारियाँ होंगी वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है पर एक बात स्पष्ट है जहाँ चर्चा होगी जहाँ संघर्ष होगा वहाँ इस तरह की कार्रवाई का दौर हम देखते चले आए हैं और आगे भी देखते रहेंगे और जनता भी चाहती है कि अगर जनाधार चाहिए तो कुछ संघर्ष करिए जनता के मुद्दों पर रोटी कपड़ा और मकान और निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था है ये हमारे देश में सदियों चली आ रही है बेहतर करना है संघर्ष करते रहिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस तरह की घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट और होती है कि अगर सरकार में है या अगर ताकत में है तो आप किसी के खिलाफ कुछ भी आधार मिलता है तो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं न्यायिक प्रक्रिया पर यहाँ पर उंगली उठाना मेरे ख्याल से न पार्टियों के लिए बेहतर है न आम जनता के लिए बेहतर है न्याय अपने आप में एक नजीर है आधार मिलता है तभी कार्रवाई होती है पर कार्रवाई की जड़ में कुछ निर्दोष ना आए इसका ध्यान भी हमारे न्याय व्यवस्था को रखना है क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था निर्दोषों पर भी इस तरह से हंटर चलाती नजर आएगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विश्वास है वो भी उठता नजर आएगा यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात नहीं बल्कि तमाम ऐसे मामलों की हम बात कर सकते हैं इस मामले में कौन किससे आधार मिला है कार्रवाई का कारण क्या है वो तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा पर कहीं तमाम ऐसे मामले और भी हैं जो अलग हैं जिन पर हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई सुनियत ढंग से जानबूझ के की जा रही है आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर होगा देखने वाली बात होगी फिलहाल चर्चा बने रहिए और संघर्ष करते रहिए जनाधार के लिए क्योंकि जनता जनाधार देती है और वही सरकार को बनाती भी है और वही सरकार को गिराती भी है तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।